नाक में कुछ इस तरह दिख रहा है, इधर देख सकते हैं लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, थोड़ा दूर और जाएंगे तो बात कुछ स्पेशल सामान लेना है और आएंगे हम लोग के। हमने देसी स्टाइल में थोड़ा चिकन को बनाया है और ये पानी थोड़ा डाले सकता अनुसार, अभी थोड़ा सा सूखेगा, थोड़ा सा हम लोग लाए हैं अपना और उसके बाद थोड़ा सा चखना निकालेंगे, देन उसके बाद आगे के क्रियाक्रम। जय हिंद, नमस्कार डियर, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो पे और आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमने एक्सप्लोर करूंगा इधर लापने जहाँ पे रहता हूँ उधर का लोकल एरिया का मार्केट, आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करूंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। डियर ये मेरे गली का रोड है, यहाँ से निकले हुए हैं और ये मेरा बिल्डिंग है वो ग्रीन कलर का है, दिख रहा है पूरे बिल्डिंग, यहाँ से जाएंगे इधर हम लोग सीधा स्ट्रेट जाएंगे, स्ट्रेट जाने के बाद लेफ्ट जाएंगे। डियर ये देखिए इधर का ग्राउंड, डियर ये HL का बाउंड्री है, कभी आप लोग कहोगे समय तो इसे दिखाएंगे HL का जो अंदर का व्यूज है वो हिंदुस्तान एरोमेटिक लिमिटेड है। इसके हम लोग बगल से जा रहे हैं, HL का ये रोड है और ये रोड सीधा जाके इधर आगे मिलेगा, अरे क्या है मार्थली एम्लोर ब्रिज के पास मिलता है, सीधे जाइएगा, सीधे जाइएगा, आगे जाके लेफ्ट लेना पड़ता है, लेफ्ट लेने के बाद टेम्पल है। तो डियर नाइट में कुछ इस तरह दिख रहा है, इधर तो देख सकते हैं व्यू, लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, थोड़ा दूर और जाएंगे उसके बाद कुछ स्पेशल सामान लेना है और आएंगे हम लोग के। दिव्या श्री तो देर हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, उसके बाद लेना है, उसके बाद चलेंगे आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से। लोग अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, मेरे पीछे डेस्टिनेशन दिख रहा है वो, थैंक यू सो मच। डियर सामान लेके वापस आ गए हैं हम लोग रूम और रूम आए हुए हैं, ये कुछ कुछ सामान लिए, कुछ कुछ छूट गया बट बाद में सबको अरेंज करेंगे, मेरे रूम है तो बाहर कुछ नहीं है। रूम का एंट्री गेट से हम लोग कही हम लोग कर गए, ये रहा हम लोग का रूम का अंदर का सीन, नाइट में थोड़ा दिखता है बस, बल्ब इधर मोटर लगा हुआ इधर जो भी देख रहे हैं सब में है, सब में अंदर में पानी है, टैंक है, स्टोरेज रहता है इधर, लोग यही बोरा वाला सामान दिखा रहे हैं। डेयर मार्केटिंग करके तो आ गए हैं, सामान वामान जो भी था खाने पीने को सब ले लिए हैं और दिखाते हैं आप लोग को। तो ये सब सारे सामान हमने मार्केट से लाए हैं अभी और ये देखिए ब्लैक प्लास्टिक में चिकन है, चिकन को उसको बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे बनाते हैं। क्या होता है, कान हो गया, खाना बना रहे हैं बेटा, लाइटर गायब हो गया है हम लोग के, इसलिए और बंदा रहता है वो सिगरेट जलाने के लिए ले गया, छोटा वाला लाइटर होता है उसके लिए, तो फिर आए इधर और फिर से लाइटर तो नहीं लिए पर माचिस लेके जा रहे हैं, खाना चढ़ा है ये नहीं उधर, बड़ा दिक्कत हो गया, तो इधर हम गली से आ रहे हैं जाएंगे। देर तक तेल डाल दिए हैं आवश्यकता अनुसार, तेल खाना बन रहा है, चिकन है वही 700 ग्राम का चिकन है, इधर मसाला वगैरह सब है रेडी हो गया, बनाते हैं आपको शेयर करते हैं। तो हमने जो भी लहसुन प्याज जो भी छिला हुआ था काट के डाल दिए हैं मिर्चा वगैरह और थोड़ा ये करते हैं, उसके बाद भुनने देते हैं और फिर प्याज वगैरह देते हैं डालेंगे, हल्का सा भुनने के बाद इसमें लहसुन थोड़ा डाल दीजिए, प्याज डालने डालने फिर धीरे धीरे इसको भून रहे हैं और बना दिया थोड़ा सा ब्रेक लगाना, थोड़ा सा नमक दे के इसमें इस तरीके से इसको भून रहे हैं, भूनने के बाद उसके बाद चिकन डाल देंगे,
देखते हैं कितना खास बनता है, आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। लग लग गया है, ठीक है, मटन हो गया है, अब डाल देते हैं इसमें चिकन। चिकन डाल दिए हैं, थोड़ा देर में इसमें पानी निकलेगा, थोड़ा पानी ले दो, थोड़ा पानी सूख जाएगा, जब मसाला वसाला डालेंगे फिर आप लोग फिर दिखाते हैं फिर लास्ट में कैसे बनता है। फिर अभी तक इसमें कुछ नहीं डाले हुए हैं, बस जो था ओरिजिनल और धनिया हैं, बस नमक भी नहीं डाले हैं, और इसमें आप नमक डालेंगे और जो प्याज है क्या चीज़ें इसमें डालेंगे ये डाल देते हैं। डियर तो ये था मेरा बनाने का तरीका, और बाकी बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। हम तो अभी इसमें जो भी था पहले चिकन प्याज भुनने के बाद, लहसुन सब भुनने के बाद चिकन को डाले, चिकन डालने के बाद जो भी पानी निकला वो सूखने देने के बाद अभी से थोड़ा सा मिर्चा डालेंगे, मिर्चा तो हो गया था, थोड़ा सा मिर्चा का पाउडर जो भी है सब डालेंगे, और मसाला देखते हैं क्या क्या है। इधर है चिकन मसाला, है चिकन मसाला खत्म हो गई, इधर है गर्म मसाला, सारे पाउडर को भी हम डालेंगे, ये है गर्म मसाला, गर्म मसाला है, और सब कम था। उसके बाद देन हल्दी डालेंगे, हल्दी आ सकता है इसे आप घोल के भी डाल सकते हैं, हल्दी का सकता डाल दिए, और देन चिकन मसाला ज़्यादा कुछ लगेगा। अभी तक इसमें पानी नहीं डाले हैं, पानी नहीं डाले, जो भी उसके अंदर से पानी निकला इसी से लगभग लगभग चिकन पक चुका है, जिसमें थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। हमने देसी स्टाइल में थोड़ा चिकन को बनाया है, और ये पानी थोड़ा डाले आवश्यकता अनुसार, अभी थोड़ा सा सूखेगा, और थोड़ा सा हम लोग लाए हैं अपना ग्रेवी बन जाए, और उसके बाद थोड़ा सा चखना निकालेंगे, देन उसके बाद आगे के क्रियाक्रम। थाली पे यहाँ भुंजा निकाले हुए थे, एक्चुअली डियर यहाँ पे हमने खाना पीना खाने के बाद जीजा जी से पूछ रहे थे कि कैसा बना कैसा लगा, तो वही जीजा जी बता रहे थे, एक्चुअली माइक कब बंद हो गया हम लोग को पता ही नहीं चला, वही बता रहे हैं कि अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। हमने पूछा कि क्या एकदम खाना में कैसा लगा, टेस्टी लगा या नहीं लगा, तो बोले एकदम बहुत मस्त लगा, सब कुछ अच्छा था, मसाला वगैरह सब बढ़िया था, तो बोले ठीक है अच्छा। तो डियर हमने सब खाना पीना डिनर वगैरह कर लिए हैं, अभी तक जो भी था मेरा जो भी बना वो उसको खा पी लिए हैं, और बाकी बात ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, और डिनर को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।